व्हाट अ व्यू गाइस, गोवा में भी ऐसे पहाड़ एंड पहाड़ के बीच में समुद्र। ओ माय गॉड, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू बाबा जी अगेन दैट यू ब्रॉट अस हियर। थैंक यू टू इंद्रजीत एक्सप्लोरर जी, थैंक यू टू JKS व्लॉगर गर्ल, एंड थैंक यू टू कुरशरण द ड्रीम व्लॉगर। ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल सीनरी यार, ब्यूटिफुल सीनरी। इट्स नेचर, नेचर इतना खूबसूरत होता है ना, बस देखो और उसे आँखों में और दिल में बसा लो। सी द क्लाउड्स हियर, वाओ। ये यस, देखो बैनी ने हमें बताया कि यहाँ पे हॉरिजॉन दिख रहा है जो एंड पर, जहाँ सी एंड ऊपर का आसमान अपना मिल रहा है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन। एंड ये हॉरिजॉन का कुछ हमें क्लियर व्यू ही नहीं दिख रहा है यार, सो नाइस हॉरिजॉन। एंड दिस वे आप देख रहे हो बड़े बड़े पहाड़, एंड वो पहाड़ के आगे ही या पहाड़ के ऊपर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कैबोडेरामा भी उसी तरफ है। तो ये हमारा कोला के बाद नेक्स्ट स्पॉट रहेगा कैबोडेरामा। I can't stop smiling, stop blushing, because this is the best place, best view. Goa ne hame har jagah, har ek din, aisi aisi cheeze dikhai, jo matlab, because this is my first time, as I told you, first time in Goa and loving it, yaar, love with Goa. Aur Benny, tell us. Oh, koi baat nahi, not a big deal. गुड आफ्टरनून, वी आर गोइंग टू कोला बीच, एंड जो ऊपर से व्यू था ना, इट वॉज मार्वेलस मैन, मार्वेलस। बहुत ही सुंदर व्यू था, ऊपर पहाड़, साइड में बीच में जो सी, इतनी डीप ब्लू सी, सो नाइस यार। एंड अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं कोला बीच की तरफ। दिस इज़ द थर्ड बीच ऑफ टुडे। इवनिंग हम स्पेंड करने वाले हैं काबोडेरामा में। Oh my God! Superb man! I have no words, yaar. No words. No words can do justice to this place, Benny. इतना ब्यूटीफुल जगह यार, इट्स इंडिया, वाओ। देखो ये साइड में कुछ फ्लोरा एंड फौना है, कुछ कुछ फ्लावर्स लगे हैं, एंड ये सब हमारा वेलकम कर रहे हैं। वेलकम टू कोला बीच, थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छे स्टेप्स यहाँ पे बनाए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें नीचे आने के लिए। रियली कमेंडेबल यार। अभी थोड़ा मैंने बैनी का हाथ पकड़ लिया है। बैनी और मैं यहाँ पर ऐसे हेलो, यस। अभी थोड़ा मैंने बैनी का हाथ पकड़ा है, बिकॉज ये स्टेयर्स ना थोड़ा साइड में कुछ ना रेलिंग है ना कुछ है, तो थोड़ा सा है जगह जहाँ पे थोड़ा रिस्क हो सकता है फॉर किड्स, तो मैंने उसे अपना हाथ पकड़ा दिया है। एंड वी आर गोइंग डाउन, लाइफ गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड हमने लाइफ गोज ऑन का लाइफ गोज डाउन कर दिया है। नीचे से देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, इसने मुझे वेगेटर की याद दिला दी यार, बिकॉज ना वेगेटर पे भी नीचे जाकर ऐसे ही रॉक्स थे, एंड हमें वहाँ पर बहुत मज़ा आई थी। आई एम फीलिंग दैट अगेन आई एम मीटिंग वन ऑफ द वेगेटर टाइप बीच। दिस इज आर कोला बीच। Oh my God!
ट्रूली मार्वलस यार, आज तो वर्ड्स ही खत्म हो जा रहे हैं. वाओ यार, सो वी हैव रीच्ड द कायाकिंग स्पॉट ऑफ कोला बीच. ठीक है, ऑसम मैन, ऑसम, सुपर्ब. अरे वीडियो आनी है, कम तैयार है मम्मी पापा. हाय कर दो. हम इतना टकराते आए ना, बता नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट टाइम कायाकिंग हार्ड थी. उतर जाओ. तो कैसा लगे एक्सपीरियंस? मम्मी आप गीली हो गई. तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? कैसा लगा एक्सपीरियंस? अगेन गुड आफ्टरनून गाइस, ये हम कायाकिंग करने आए थे कोला बीच पे एंड ओ माई गॉड दैट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस यार. एंड ये जो कोला बीच है ना, अब मैं यहाँ के लिए क्या बोलूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स यार. एक एक बीच का ना एक एक वाइब्स है, एक एक मीन्स आई डोंट हैव वर्ड्स. मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ, जो मैं देख रही हूँ ना अपनी आँखों से, जो मैं फील कर सकती हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार. इतना सुंदर अपना नेचर, इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है. और ये है पूरे हट्स यहाँ के, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, नीचे होटल वगैरह है. एंड जो हट्स बने हुए हैं यार, इट्स ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड. तो रियली हैट्स ऑफ टू गोवा टूरिज़म, ये इतना अच्छा वेलकम करते हैं हमारा. सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, इतने सारे बीचेस हैं, इतनी सारी शॉपिंग के ऑप्शंस हैं. ओ माई गॉड, खाने के लिए भी क्या बोलूँ, खाना भी बहुत टेस्टी है यहाँ पे. तो यार इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड मेरे पास रियली वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स यार. कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी कमिंग टू गोवा. सो अगेन थैंक यू टू बाबा जी दैट वी थ्री आर टुगेदर एंड वी आर एंजॉइंग एट गोवा बीच. दिस इज़ द कोला बीच, द थर्ड बीच ऑफ टुडेज प्लान. एंड इसके बाद में हम जाने वाले हैं कैबुडीरामा. तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए व्यू को. लवली मैन, लवली, क्या ही कहना यार. Awesome.